रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर में सुबह के समय एक ट्रक ने चार लोगों को रौंद दिया, जिनमें से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हुए। एक अन्य घायल की टांडा जाते समय रास्ते में मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन बाद में पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। हमीरपुर में सुबह के समय एक ट्रक ने चार लोगों को रौंद दिया है, जिनमें से दो लोगों उमेश कुमार और राजीव कुमार निवासी उत्तर प्रदेश की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। वहीं एक घायल दीपक की हालत बिगड़ने पर टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार हमीरपुर जिला के भोटा में जिरालड़ी में हादसा हुआ है। सुबह करीब 7 बजे ट्रक ने इन चार राहगीरों को रौंद डाला। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। दो घायलों की तो मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। वहीं चीख पुकार सुनकर लोग एकत्रित हुए और घायलों को भोटा अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां इनका उपचार चल रहा है। वहीं दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेजा गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रत्यक्षदर्शियों के बयान कलमबद्ध किए हैं। वहीं ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक और घायल सभी प्रवासी हैं और सुबह के समय वे शटरिंग खोलने जा रहे थे कि इस दौरान रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बारे में बताते हुए विपिन कुमार यादव ने बताया कि सुबह शटरिंग करने के लिए जा रहे थे तो अचानक ही ट्रक तेज रफ्तार से उतराई पर आया और पैदल चले हुए लोगों पर चढ़ गया, जिससे मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई। ये हुआ जिरारी में सुबह 6 बजे जा रहा था लेटिंग करने ना, और सीमेंट वाली ट्रक आया, इसको ठोकर लगा दिया। ये वैसे मेरा गांव का है, मैंने ऊना में पता चला ना, इसका जीजा मेरे को फोन किया, मैंने फिर आया इसके पास। अच्छा, ये चार बंदे। हादसे में घायल हुए सुरेंद्र ने बताया कि ट्रक पीछे से तेज गति से आया और कुचल कर चला गया। उन्होंने बताया कि सुबह काम पर जा रहे थे, रास्ते जा रहे थे हम, कच्ची में जा रहे थे। ट्रक वाला पीछे स्पीड में आया और ठोकते रहा, उसको चला गया, चारों बंदे को मारा। दो वहीं पर पोस्टमार्टम हो गया सर। अच्छा, दो हमें भी हॉस्पिटल में आए। तो पुलिस वाले भी आए थे? हाँ जी, पुलिस वाले भी आए। रहने वाले कहाँ से हैं आप? हम सर बिहार से। वहाँ कहाँ रहते थे आप? वहाँ जिराड़ी में रहते हैं। काम पे जा रहे थे कहीं? हाँ जी। मेडिकल कॉलेज में उपचार कर रहे डॉक्टर ने बताया कि भोटा के पास हुई दुर्घटना में दो मरीजों को उपचार के लिए लाया गया था, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे टांडा मेडिकल कॉलेज को रेफर किया जा रहा है, जबकि दूसरे मरीज की हालत अभी स्थिर है और उसका उपचार चला हुआ है। पेशेंट है, इसको रोड साइड एक्सीडेंट का पेशेंट है, उसको लेफ्ट साइड की हड्डी भी फ्रैक्चर है, हो सकता है पेट में भी कोई इंजरी हो, और इसका बीपी भी स्टेबल नहीं है, तो हम पेशेंट को भी स्टेबलाइज कर रहे हैं। उसके बाद हम पेशेंट को आगे रेफर कर रहे हैं हायर सेंटर में, जाकि जहाँ पे इसका अच्छा उपचार हो सके। तो अभी पेशेंट को स्टेबलाइज। अभी कितने पेशेंट आए सर? एक दो आए, एक इनके पीछे, दूसरा तो अभी स्टेबल लग रहा है, पर इसकी हालत गंभीर है, ज्यादा गंभीर। टांडा के लिए रेफर कर रहे हैं? टांडा के लिए रेफर कर रहे हैं।